मेरे पास ये कह रहे हैं इसकी मैं चाह रहा हूँ कॉपी बना लूँ, तो मैंने कहा कि जी लेट कॉपी इक्वल्स टू ARR, ठीक है। तो ये ARR की एक कॉपी बन गई। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि अच्छा ये दोनों जो एरे हैं, मतलब ये पहला वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल, ये दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, राइट, ऐसा ही है। अच्छा अब कॉपी मैंने इसलिए बनाई है कि कॉपी में मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ, जाहिर है ओरिजिनल चीज़ को छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, कॉपी के साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहा हूँ जो ओरिजिनल को चेंज कर देगी, लेकिन ओरिजिनल को भी रखना चाहता हूँ मैं। तो मैंने कहा कि जी कॉपी का जो है ना, जो इंडेक्स है ना आपका 2 है, जो ठीक है 0 1 2, यानी कि ये वाला इंडेक्स जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, उस पर मैं रखवा देता हूँ कैट, ठीक है। तो मैंने कॉपी में क्या कर दिया, एक चेंज कर दिया, कॉपी को मैं कंसोल भी करवा लेता हूँ। कॉपी को मैंने यहाँ पे कंसोल करवा दिया, ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है। कॉपी पाथ करके ज़रा इसको हम यहाँ पे रन भी कर लेते हैं। ठीक है जी, 0 1 और 2 जो था उसके ऊपर कैट हो गया। अच्छा अब ज़रा हम ओरिजिनल एरे जो है ना ये वाला, इसको भी हम कंसोल करा के देख लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है, क्या ख्याल है क्या हुआ है इसके साथ। ओरिजिनल में भी चेंज हो गया। अब मेरा जो मकसद था ना कि मैं ओरिजिनल को बचा लूं और कॉपी बना के उसमें मैं चेंजेस करूं, ये मकसद मेरा क्या हो गया, फौत हो गया। अब कौन मुझे बताएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एरे ये वाला, अब कौन मुझे बताएगा कि इसकी अगर मुझे कॉपी बनानी है तो वो मैं कैसे बनाऊं। आपने पहले से भी जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, सेकंड टाइम पढ़ी है, अब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, बताओ। कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे एरे डॉट, अब ये सही हो गया, कितने लोग एग्री कर रहे हैं इसे। अभी ये सिर्फ बताना भी पड़ेगा कि स्लाइस कर क्या रहा है और ये हो कैसे रहा है, ठीक है। स्लाइस से ये मेरा मसला सेट हो गया। अब मुझे बताओ कि ये स्लाइस जो है इससे ये मसला क्यों सेट हुआ, स्लाइस कर क्या रहा है, स्लाइस का काम क्या होता है। हाँ भाई, अच्छा स्लाइस का चक्कर नहीं है असल में, ठीक है, चक्कर ये है कि हमने इस एरे को जब ऐसे करके हम कॉपी करते हैं ना जब इसको, तो क्या होता है, ये रेफरेंस कॉपी होता है, इसको हम कहते हैं कॉपी बाय रेफरेंस और कॉपी बाय वैल्यू। अच्छा अगर मैं यही सेम काम ना नंबर स्ट्रिंग और बूलियन के साथ करूँगा वहाँ पर ये मसला नहीं होगा, ठीक है। अब नंबर और बूलियन के साथ करूँगा ना तो वहाँ पर ये मसला नहीं होगा। मैंने कहा लेट a equals to 5 और मैंने कहा कि लेट a की जो कॉपी है उसमें मैंने कह दिया a, ठीक है। अब एक a वेरिएबल है और एक a कॉपी है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं a को चेंज करूँगा कॉपी में चेंज नहीं आएगा, कॉपी को चेंज करूँगा a में चेंज नहीं आएगा। मैं दोनों को कंसोल करा देता हूँ, सही है, मैंने दोनों को यहाँ पे कंसोल किया। आप देखें दोनों में इस वक्त 5 है। अब मैं दरमियान में आके ना अगर मैं बोलता हूँ ना a कॉपी इक्वल्स टू 1 अगर, तो ये सिर्फ कॉपी में चेंज आएगा, मैंने जिस वेरिएबल में चेंज किया उसमें आएगा, ओरिजिनल में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आप देखिए कॉपी जो है 1 हो गया, ओरिजिनल अपनी जगह पर है। तो ये वाला जो चक्कर है ये इसमें नहीं हो रहा, ये हो रहा है सिर्फ एरे के अंदर, ठीक है, ये हो रहा है सिर्फ एरे के अंदर। तो
ये वाला जो है ना, तीन जो शुरू के वेरिएबल थे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, उसके बारे में मैंने बताया था कि किस टाइप के वेरिएबल हैं ये प्रिमिटिव हैं, ये जावास्क्रिप्ट के सगे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। या इसको हम नेटिव वेरिएबल भी कहते हैं या प्रिमिटिव वेरिएबल कह सकते हैं, या प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, वेरिएबल नहीं डेटा टाइप जो वर्ड यूज़ होता है ना, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये, या इसका अपना सगा डेटा टाइप है ये जो है ना। ऑन अदर एंड एरे, एरे भी और ऑब्जेक्ट भी, ये दोनों हैं कंस्ट्रक्ट। ये सगा, ये जावास्क्रिप्ट के अपने वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट है। अच्छा, इस तरह के कंस्ट्रक्ट हम और भी बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पर, लेकिन हम चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है कि जब इस तरह के वेरिएबल को मैं कॉपी करता हूँ ना, एक से दूसरे में उठा के डालता हूँ, तो ये कॉपी बाई वैल्यू नहीं होता है। इसमें ये होता है कॉपी बाई वैल्यू, कि जी ए में 5 था, मैंने यहाँ पे ए रखा ना, तो ए क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। इसी तरह हम देखते हैं शुरू में कि ए जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे 5 रिटर्न हो जाएगा और 5 उसमें चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर सही होता, अभी मैं उस पे आ रहा हूँ, अभी मैं ARR का 0 रखने पे ही आ रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ARR लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एरे रिटर्न नहीं होता है, यहाँ पे रिटर्न होगी इसकी, इसका रेफरेंस रिटर्न होगा समहाउ, ठीक है। जब बिहाइंड द सीन जब हम इसको कॉपी करते हैं तो उसका रेफरेंस रिटर्न होता है। रेफरेंस क्या चीज़ होती है कि रैम मेमोरी में ये जिस जगह पे सेव है ना, उसका एड्रेस होता है। सी लैंग्वेज में इसको पॉइंटर कहते थे, और सी लैंग्वेज के बाद जावा में और जावा स्क्रिप्ट में और सी शार्प में इसको हम कहते हैं रेफरेंस, ठीक है। तो ये रेफरेंस, ये कॉपी बाई रेफरेंस हो गया। अच्छा, अगर इसको कॉपी बाई रेफरेंस हमने नहीं करना, डिफ़ॉल्ट यही है, बाई डिफ़ॉल्ट जब इसको हम कॉपी करेंगे जो सौतेले वेरिएबल्स को, तो वो होगा कॉपी बाई रेफरेंस ही होगा। अगर हमें इसको अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्लोन करना पड़ेगा, ठीक है। असल बात ये है, स्लाइस का चक्कर नहीं है, इसको क्लोन करना पड़ेगा हमें। अच्छा, क्लोन का मतलब क्या है, क्लोन करने के 6-7 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि वो क्लोन असल में करता क्या है। ये एक बनाया मैंने नया एरे, इसका पीछे वाले एरे से कोई ताल्लुक नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। मैंने इसके पहले इंडेक्स में रखा ARR का इंडेक्स 0, ARR का इंडेक्स 1 और ARR का इंडेक्स 2, ये मैंने रख दिया इसमें। अच्छा, ARR का इंडेक्स 1 जो है या 0 जो है, ये क्या है, एक नंबर है, प्रिमिटिव है, तो कॉपी बाई वैल्यू होगा ये, तो यहाँ पे इस जगह पे 1 आ जाएगा। ARR का जो इंडेक्स नंबर 1 है, यानी कि ये वाला इंडेक्स, इस पे 2 आ जाएगा और इस वाले पे 3 आ जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि उस पूरे एरे का ये क्या बन जाएगा, क्लोन बन जाएगा ये, ठीक है। इसको हम चला के देखते हैं। अब ऐसे कर दिया ना मैंने, तो अब कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, अब कोई मसला नहीं हुआ, कॉपी अपनी जगह है, ओरिजिनल अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन हमेशा ज़ाहिर है हम इस तरह नहीं करते, ऐसे करना मुनासिब बात नहीं है। इसको करने का जो आसान तरीका है, जो ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उससे पहले मौजूद नहीं था, वो ये था कि आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डॉट 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 ARR, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो मैंने हाथ से किया था अभी एक मिनट पहले, ये एग्जैक्टली वही काम करता है। ये क्या करता है, इस एरे को खोल के यहाँ पे रख देता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है, खोल के यहाँ पे रख देता है। तो ये क्या है, मेरे पास ये हो गई क्लोनिंग हो गई, ठीक है। ठीक है, ये हो गया कॉपी बाई रेफरेंस, ये हो गई क्लोनिंग। अच्छा, क्लोनिंग का ना ये वाला तरीका मोस्ट कॉमन है, लेकिन जो है ना वो और भी तरीके हैं क्लोनिंग के, 6-7 तरीके हैं। आप जाके गूगल पे लिखेंगे एरे क्लोनिंग, तो ये स्टैक ओवरफ्लो पे एक दोस्त ने सवाल पूछा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने ना ये तरीका बताया है, लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं, स्लाइस एरे डॉट फ्रॉम कॉनकैड और स्प्रेड सिंटेक्स। स्प्रेड सिंटेक्स में इन्होंने लिखा है फास्टेस्ट है, लेकिन असल में ये फास्टेस्ट ये वाला नहीं है, ये इन्होंने जो कंपैरिजन किया ना ये सबसे सही है, ठीक है।
सबसे फास्टेस्ट जो है ना वो ये वाला है, सही है, ऊपर जो लिखा था उन्होंने वो फास्टेस्ट, ये हमारा आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। जो दोस्त ने बताया था स्लाइस वो है 3रे नंबर पे। वेल अब ये मतलब 5 मिलीसेकंड से लेके जो है ना अगर हम 30 मिलीसेकंड की बात करें तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस ना, अगर हम वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या सर्वर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या हम कोई चैट बॉट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ये जो डिले है ये कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है ये, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है कि बहुत फास्ट कंप्यूटिंग चाहिए हमें, वहाँ पे शायद ये हमें मैटर करे कि जी हमें ना मतलब 30 वाले को छोड़ के हमें 5 मिलीसेकंड पे जाना चाहिए। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि भाई ये सारे तरीके मौजूद हैं एरे को क्लोन करने के, ठीक है। तो मेन आइडिया हमें समझ आ गया कि क्लोन करता क्या है। अच्छा, अब यही सेम चीज़ जो है ना हमारे पास वो किस में होती है, ऑब्जेक्ट में भी होती है, सही। ये तो एरे की क्लोनिंग हमने देख ली, ऑब्जेक्ट में भी यही सेम चीज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि जी मेरे पास एक अदद ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है जी नेम मलिक, क्या हो गया, और एज 30 है मे बी। अच्छा, ये मेरे पास क्या हो गया कि जी ओ बी जे 1, ऑब्जेक्ट 1 हो गया ये। उसके बाद मैं आता हूँ कि जी मैं कहता हूँ कि कॉपी, और कॉपी में मैंने कह दिया कि जी ओ बी जे 1, या इसको मैं कह देता हूँ कि जी ओ बी जे 2 हो आप, ठीक है। ओ बी जे 2 था, उसमें ओ बी जे 1 डाल दिया मैंने, तो 1 ओरिजिनल है, 2 मेरे पास कॉपी है। अब मैं ये करता हूँ अगर कि मैं बोलता हूँ कि यार ओ बी जे 2 obj 2 डॉट नेम जो हो जाए वो क्या हो जाए, जॉन हो जाए। क्या शॉर्टकट प्रेस कर दिया मैंने, ये सही है। obj 2 में मैंने चेंज किया है, obj 1 में कोई चेंज मैंने नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करवाता हूँ obj 1 और obj 2 को, तो आप ये देखेंगे कि जो चेंज है ना वो दोनों में आ जाएगा, ठीक है। OBJ 1 और OBJ 2 दोनों में चेंज आ गया। अब इसको अगर मुझे कॉपी करना है तो मुझे ये भी क्या हो गया, कॉपी बाई रेफरेंस हो गया। अब इसको अगर मुझे करना है क्लोन इसको, तो मैं कैसे करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ऐसे, और मैं लिख दूंगा कि जी ओ बी जे 1, वेल वो खोल के जो रखने का तरीका है वही करूंगा मैं। अच्छा हाँ, ओ बी जे 1 डॉट नेम, ओ बी जे 1 डॉट क्लास और ओ बी जे 1 डॉट एज, ऐसे करके लिखूंगा मैं, ठीक है। लेकिन ES6 में हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह वो एरे पे करता है, ठीक है। तो क्लोनिंग का ये स्प्रेड ऑपरेटर वाला तरीका मैं क्लास में इसलिए पढ़ाता हूँ सबसे पहले, बाकी तरीके दिखा देता हूँ लेकिन पढ़ाता ये वाला हूँ, क्योंकि ये एरे और ऑब्जेक्ट पे इक्वली काम करता है, एक ही तरह से काम करता है, ठीक है। अभी मैं जब गूगल पे जाके लिखूंगा कि भाई ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, तो आप देखेंगे उसमें भी बहुत सारे तरीके आ रहे होंगे, लेकिन ये एक तरीका ऐसा है जो दोनों में सेम है, ठीक है। तो अब आप जाके जब इसको चेक करेंगे तो ना ये ओरिजिनल अपनी जगह है और कॉपी में चेंज आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाके लिख लेता हूँ कि जी अच्छा, एक क्लोन करने का तरीका ये भी है, जेसन डॉट पार्स और पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये भी एक तरीका है इसको क्लोन करने का। लोकल स्टोरेज में कहाँ है, लोकल स्टोरेज का तो कहीं जिक्र नहीं है, क्लोनिंग कर रहा है। असल में क्या होता है, जब आप जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस टेक्स्ट को आप कॉपी करते हैं, उसको आप दोबारा पार्स कर लेते हैं, तो एक दूसरी कॉपी बन जाती है जिसका पहले वाले से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, ये भी एक बड़ा फेमस तरीका है। अच्छा, ये वाला जो है ना तरीका जो मैंने अभी स्प्रेड ऑपरेटर बताया है, ये स्प्रेड ऑपरेटर वाला तरीका जब नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है दो तीन लेवल वाला, तो उसमें वो फेल हो जाता है। ठीक है, आप सवाल पे अगर गौर करें तो यहाँ पे इसने सवाल पूछा है कि डीप क्लोनिंग करनी है इसने ऑब्जेक्ट की। अब डीप क्लोनिंग का मतलब क्या है, एरे तो क्या कहते हैं वो सिंगल वाला होता है, किसी सीधा सीधा एरे जो हमने करके देखा, लेकिन एरे भी जब नेस्टेड होगा ना तो हमारा वो तरीका फेल हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट भी जब नेस्टेड होगा तो हमारा ये वाला तरीका जो हमने स्प्रेड ऑपरेटर वाला किया ये फेल हो जाएगा। ठीक है, वो फेल इस वजह से हो जाएगा कि जी वो एरे के पहले इंडेक्स में नंबर, दूसरे इंडेक्स में नंबर, तीसरे इंडेक्स में नंबर, अब चौथे इंडेक्स में एक दूसरा एरे है, फिर उस एरे के अंदर मजीद एरेज हैं। ठीक है, तो वो तो डेटा टाइप उसकी जो प्रिमिटिव तो नहीं है, क्योंकि एरे के एक इंडेक्स में एरे ही पड़ा हुआ, तो प्रिमिटिव नहीं है वो डेटा टाइप। ठीक है, वो डेटा टाइप जो है वो एरे ही है, तो उसके अंदर क्या होगा, उस चौथे इंडेक्स पे जाके ना वो फिर कॉपी बाई रेफरेंस कर देगा। तो इसके लिए या तो आप नेस्टेड लूप चलाएंगे, रिकर्सिव लूप, वो बहुत मुश्किल है उसको चलाना, मतलब लिखना बड़ा मुश्किल है उसको। ठीक है, कंपैरेटिवली मुश्किल है, ये वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा आसान है। तो जहाँ पे भी आप डीप कॉपी करेंगे ना, एरे हो या ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे ना ये आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। लेकिन मैंने आपका इंट्रोडक्शन असल में किस चीज़ से करवाया है, क्लोनिंग से करवाया है। अब क्लोनिंग हो सकता है इन फ्यूचर जावास्क्रिप्ट में कुछ और नए कीवर्ड्स आ जाएं स्पेसिफिकली क्लोनिंग के लिए, है ना, तो अभी तो ये जुगाड़ी तरीके से होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन कोई तरीका नहीं है कि कॉपी बाई रेफरेंस करें, क्योंकि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब आप कॉपी कर रहे होते हैं ना उसमें फ्लैग होता है कि जी आपने इसको कॉपी बाई रेफरेंस करना है या कॉपी बाई वैल्यू करना है। जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, हम उसमें फ्लैग लगाते हैं कॉपी करते हुए कि जी इस वेरिएबल को जो कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी बाई रेफरेंस करना है या कॉपी बाई वैल्यू करना है। जावास्क्रिप्ट में वो चीज़ मौजूद नहीं है, मे बी इन फ्यूचर वो इंट्रोड्यूस हो जाए। अच्छा, और सी लैंग्वेज को उसी वजह से सबसे मुश्किल समझा जाता है, वो जो फ्लैग लगता है ना वो लोगों के समझ नहीं आता, वो किसी के समझ नहीं आता, वो उसको वो कहते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर जो है वो यही फ्लैग होता है असल में कि जी जब वैल्यू कॉपी हो तो वो कॉपी बाई वैल्यू हो या कॉपी बाई रेफरेंस हो, और है बड़ा आसान वो मज़े की बात, वो है बड़ा आसान, लेकिन वो लोगों के समझ नहीं आता, या किसी ने शायद बुक सही लिखी नहीं है, किसी ने सही समझाया नहीं, इस वजह से। वेल, सी लैंग्वेज की फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉइंटर, लोगों को समझ ही नहीं आता। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एरे और ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया।